Good morning everyone. I am your class teacher. This is your Hindi piece. हिंदी में अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं क से ड़। आज हम पढ़ेंगे च से ञ। च छ ज छ ञ। ठीक। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। ठीक। इसको हम लिखना सीखेंगे। और या माने खाली, इसका मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक। आज हम अब इसको हम लिखना सीखेंगे। च से चम्मच। आप सबको पता है ना कि हमको अपनी कॉपी में ब्लू लाइन में ही लिखना, आपकी जो नोटबुक है उसमें जो बीच की ब्लू लाइन में है उसमें ही हम अपना इसको लिखेंगे। ठीक। अब लिखिए ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन, फिर से और च, च से चम्मच, च से चरखा भी होता है, गांधी जी का जो चरखा होता है वो भी चल, च से मम्मी जो आपकी चटनी बनाती हैं वो भी होता है, से चम। ठीक। अब छ से छाता, इस तरीके जैसे आप ये सेमली बनाते हैं ना, थोड़ा वैसे ही है। यहां तक ऐसे बनाएंगे और फिर इस छ से छाता, छ से छाया भी होती है, ये प्रैक्टिस करेंगे इसको बार बार हम अपनी कॉपी में तो ये हमको आने लगेगा। जैसे जहाज, जैसे जग भी होता है, जैसे जहाज, ज ऐसे लाइन खींचे और फिर ये ज, जैसे जहाज, जैसे जग भी होता। ठीक। अब जैसे झंडा, जैसे झंडा हम कैसे लिखेंगे, आप लोग वो लिखते हैं ना ई से इमली, बिल्कुल वैसे। पहले हम ई से इमली बना लेंगे। देखिए ये ई से इमली बना लिए। अब एक ऐसे लाइन और बीच में इसको लाइन, बहुत इजी है। ठीक। इसे इमली बना लीजिए, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और इसको इससे मिला दीजिए, जैसे झंडा बन गया। ये माने हल, कुछ नहीं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे अभी आप जैसे जहाज बनाए थे कुछ उसी तरीके से। ठीक। बस इसको ऊपर से ऐसे करके ऐ, इस प्रैक्टिस करेंगे और हमको ये आने लगेगा। ओके क्लास, इसको आप प्रैक्टिस भी करेंगे और बार बार लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको आने। थैंक यू।